तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 7 है, और जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि जहां तक ये एक या दो पार्ट का ही रह गया है, काफी बड़ा चैप्टर था ये, आप भी जानते हो, ठीक है ना, काफी ज्यादा ही बड़ा चैप्टर था, तो बुक में देख लो काफी सारे पेजेस है इसमें, और हम धीरे 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 बढ़ते चले गए और आज हम पार्ट नंबर 7 पे है। और मैं इस पार्ट को थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा और इसी पार्ट में इस चैप्टर का दी एंड कर दूंगा, क्योंकि अब ज्यादा बढ़ाना फायदेमंद नहीं रहेगा। 7 पार्ट बहुत होते हैं, छोटे छोटे मैंने अब तक पार्ट बनाए थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप मैंने बिजनेस के लगभग सारी वीडियोस डाल दी है, बस एक चैप्टर रह चुका, बस अब बाकी सब डल चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैं जो लिस्ट है वो डाल दूंगा आपके लिए, बट मेरी एक बात याद रखना, आप प्लीज सारी वीडियोस देखना, एक एक पार्ट करके अगर आप सुन भी लोगे ना बेटा, और उसके प्रॉपर नोट्स बना लोगे ना साथ में, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे करके सारा याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत देखो इतने सारे पार्ट्स, आप ये देखो ना कि वीडियो कितनी छोटी छोटी वीडियोस है, और एक चीज को मैं 20 बार आपके लिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में कैसे ना कैसे वो बैठ जाए। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लोगे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ध्यान से समझ लोगे, तो मैं सच बता रहा हूँ बिजनेस आपको बहुत आसान लगने वाली है, ठीक है। तो इस पार्ट नंबर 7 में हम इसको खत्म करने वाले हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद मिटा करके मैं एक डिफरेंस भी आपके लिए डाल दूंगा ऐसे, और वो डिफरेंस मैं अलग से भी डाल दूंगा, इसमें तो मैं लिखूंगा भी डिफरेंस वो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैं साथ में भी कर दूंगा। डिफरेंस का देखो बहुत फायदा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिफरेंस जब भी आप याद करते हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर किसी चीज के ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस डिफरेंस के जो एक पार्ट से, यानी मान लो ये डिफरेंस का कोई पार्ट है मान लो, तो यहाँ से आप ना काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल करके उस पर नोट लिख सकते हो, या उसकी विशेषताएं पूछ लो कुछ भी, तो उससे बना के लिख सकते हो, या इसकी विशेषताएं पूछ ले, या इसकी मान लो इस तरह कुछ लिखा हुआ है और उसकी विशेषताएं पूछ ले, या कोई भी मान लो क्वेश्चन पूछ ले उसके ऊपर, तो आप बना के लिख सकते हो, और डिफरेंस पूछोगे तो वो भी लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन तीन चीजों, मतलब एक डिफरेंस जो है तीन जगह काम आता है। अगर इस पार्ट के ऊपर कुछ पूछेगा तो लिख सकते हो, इस पार्ट के ऊपर अलग से पर्टिकुलरली कुछ पूछेगा तो आप लिख सकते हो, डिफरेंस पूछोगा तो भी लिख सकते हो, तो काफी बेनिफिट होने वाला डिफरेंस का, ठीक है। तो अभी तो फ्लावर से इसको खत्म कर लेते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा इस वाले का भी, इसने इतने पोर्शन में तो छोटा सा वीडियो बनेगा, उसका डिफरेंस जोड़ूंगा तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, क्लियर है ना। चलो, व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है? तो मैंने कहा व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। बेटा देखो क्या लिखा है, व्यक्तिगत विक्रय से अभी व्यक्तिगत विक्रय को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल सेलिंग, यानी मैं सामने डोर टू डोर जा रहा हूं, सबके घरों पे जा रहा हूं, प्लीज ये मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, प्लीज मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो उसने कहा व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से, यानी जिनको मैं अपना क्या है क्रेता यानी बना सकता हूं, जो मेरे से प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो मैं उनके संभावित क्रेताओं से है, ठीक है, सॉरी संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। तो उसने बोला व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के जो संभावित क्रेता है उनसे व्यक्तिगत संपर्क क्या करना है, स्थापित करना है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, उसके बाद इसने बोला व्यक्तिगत विक्रय की विशेषता क्या है। देखो व्यक्तिगत विक्रय को मैंने पर्सनल सेलिंग बोला आपको, यानी डोर टू डोर जाकर के माल बेचना, ठीक है ना। उसने बोला इसकी यह है कि सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता है, यानी मान लो मैं निरमा बेचने वाला हूं, मैं किसी के घर पे जाता हूं, मैं आपके घर पे आता हूँ, सर निरमा लीजिए, देखो उसके कपड़े कैसे चमक गया, मैं एक आध चीज दिखा दो, धो के भी दिखा दूंगा, या कुछ करके दिखाऊंगा ना, एक्टिविटी करते हैं लोग बाग, तो वही करते हैं, तो इससे व्यक्तिगत संपर्क यानी आमने सामने मिल जाते हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है। जबकि हमने इससे पहले विज्ञापन पढ़ा था, उसमें व्यक्तिगत संपर्क होता ही नहीं है भाई, टीवी में सलमान खान जी ने कुछ बोल दिया तो व्यक्तिगत संपर्क कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, क्या हुआ आपके सामने फेस टू फेस बोलना है कि लीजिए ये पीजिए इससे आप में एनर्जी आ जाएगी, कुछ बोला नहीं, तो इसलिए हमने बोला यहाँ पे व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा, बट विज्ञापन में व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। आगे मौखिक वार्तालाप, जब मैं आपके पास निर्मा बेचने आया तो मैं हमने उन्होंने बातें करी, तो मौखिक यहाँ पे वार्तालाप हो जाती है, ओरल यहाँ पे क्या होता है एक तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, बातें हो जा रही है। आगे संदेहों का तुरंत समाधान, अगर आपके मन में कोई संदेह होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो तुरंत ही उसका समाधान मैं आपको दे दूंगा, आप बोलोगे देखो इस वाले दाग को निकालो, मैंने कहा देखो इसको ऐसे करना है दाग भी निकल जाएगा, तो यानी यहाँ पे जो संदेह होते हैं जो आपके दिमाग में लगता है कि यार ऐसा होगा तो वो होगा, जो जो खिचपिच चल रही है उसको मैं आराम से यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो तीन पॉइंट हो गए, एक तो व्यक्तिगत संपर्क यहाँ पे स्थापित हो जाता है, नंबर दो मौखिक वार्तालाप हो जाती है, ठीक है, नंबर तीन संदेहों का तुरंत क्या होता है समाधान हो जाता है। यहाँ पे आप पर्सनल सेलिंग लिख लो, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा बेटा, पर्सनल सेलिंग, पीई आर एस ओ एन ए एल
फिर सेलिंग स्पेलिंग एस ई डबल एल आई एन जी, ठीक है ना, इससे पर्सनल से याद हो जाएगा कि सामने सामने जाकर के माल बेच रहे हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में आने से पहले बेटा एक चीज याद बताता हूँ, बार बार ना मेरे को कमेंट आते हैं, उसमें लिखा होता है कि सर आपकी जो इकोनॉमिक्स की वीडियो आपने 2-3 साल पहले बनाई थी, क्या वो हम पढ़ सकते हैं? तो मैं अभी भी बोलूंगा, देखो मैं वो वीडियो इसलिए ही चेंज नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि वो कंटेंट जो है ना बड़ा प्यारा कंटेंट है। आप चाहे तो किसी से टीचर से पूछ लो कि सर देखो ये कंटेंट जो लिखा क्या है, इस कंटेंट सही है, आप किसी टीचर से पूछ लो वो भी यही बोलेगा कंटेंट बहुत प्यारा है, ठीक है। आप उस कंटेंट से पढ़ सकते हो, जिस दिन उस कंटेंट में चेंजेस आएंगे मैं खुद ही क्या कर दूंगा उसे चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, पूरा ही कंटेंट चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी एक आध चेंज होती है मैं उसको अलग से वीडियो में डाल ही देता हूं आपको, बता उसी प्लेलिस्ट में नीचे कहीं ना कहीं वो चीजें ऐड कर देता हूं कि सब बेटा ये भी पढ़ लेना, ठीक है ना। बट अभी जो है वो वीडियो बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़ सकते हो, इवन आपके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स जो है उस वीडियो से पढ़ते हैं, जैसे स्टैट की वीडियो मैंने हिंदी में डाली हुई है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ते हैं बेटा उन वीडियो से, स्टैट की वीडियो से, ठीक है, आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो से, समष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो से बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ते हैं और वो भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा वो वीडियोस बहुत अच्छी है, आप उनको पढ़ सकते हो। अगर वो वीडियोस में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो मैं खुद ही बोलता कि बेटा मैं दोबारा बना रहा हूँ, आप उससे देख लीजिए। अभी वो वीडियो सही है बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम बाद में एक न्यू वीडियोस या फिर जैसे होता है ना पूरा एक ही घंटे में पूरा एक चैप्टर ही पूरा निपटा दूं, ऐसी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि दोबारा से एक बार और वापस से मैं उनको नए सिरे से बना सकूं, ठीक है। बट अभी वो वीडियोस बहुत सही है इसलिए मैं उनको चेंज भी नहीं कर रहा, ठीक ना। तो व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय, किसी वस्तु के जो संभावित क्रेता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, जो खरीदने वाले बनने वाले हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। जैसे मैं आपके घर पे आया, मुझे लगता है आप मेरे बायर बन सकते हो, ठीक है ना, तो मैं आपके पास आया और मैंने आपसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषता क्या है कि इसमें एक तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता है, मौखिक वार्तालाप हो जाती है, संदेहों का तुरंत क्या होता है समाधान हो जाता है, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, यानी जितना उसमें लिखा भी नहीं होगा ना बेटा, या उस प्रोडक्ट के बारे में क्या नाम है किसी ने बताया भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा मैं आपको क्या कर दूंगा वहां पे बता सकता हूं, तो आपको अतिरिक्त सूचना की यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। उसके अलावा वस्तुओं का वास्तविक विक्रय हो जाता है, मैंने आपको मान लो 4 निर्मा के पैकेट भेज दिए, तो ये वास्तविक यानी रियल सेल हो जाती है तुरंत के तुरंत, रियल सेल, ठीक है ना। उसके अलावा विज्ञापन में क्या होता है, अगर मान लो अगर ऑनलाइन वाले में देखो ना, ऑनलाइन वाले वो माल बिकता है और अगर पसंद नहीं आए तो बंदा वापस कर सकता है, मैं डोर टू डोर आया, मैंने कहा आपको माल दे दिया, आप दे दिया ना, वो वास्तविक सेल हो चुकी है। अब क्या मैं वापस कब आऊंगा आपकी गलियों में, कब मैं माल बेचूंगा, तो यहाँ पे जो सेल होती है बड़ा वास्तविक हो जाती है, ठीक है ना। और ऊपर से मैंने आपको पूरा का पूरा डेमो दिखाया, आपको पसंद आया तभी तो आपने लिया, तो यहाँ पे जो होता है ना बिल्कुल वास्तविक सेल होती है, ठीक है ना। उसके अलावा विक्रयकर्ता और क्रेताओं के बीच में संबंधों का यहाँ पे क्या होता है विकास होता है। तो बड़े सिंपल से पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, तो ठीक है, तो क्लियर, यहाँ तक रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन क्या होता है बेटा, विक्रय संवर्धन का मतलब होता है सेल्स प्रमोशन। क्या होता है सेल्स को, सेल्स प्रमोशन यानी विक्रय को बढ़ाने के लिए क्या करना, प्रमोशन करना। तो विक्रय संवर्धन से अभिप्राय उन अल्पकालीन, पहले तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या है अल्पकालीन है, इसका मतलब ये रोज रोज तो नहीं होने वाला, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म में कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है, तो इसने बोला अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है। तो विक्रय संवर्धन से अभिप्राय अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है, जो ग्राहकों को उत्पाद तथा सेवा यानी जो गुड्स और जो सर्विस है को तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित किए जाते हैं। तो उसने बोला विक्रय संवर्धन से अभिप्राय, उसने बोला उन अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है जो ग्राहकों को, ठीक है ना, उत्पाद तथा सेवा को तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आप मेरे पास आए, मानो दुकान है मेरी, आप मेरा, मैंने कहा देखो बेटा ये वाला निर्मा ले लो, ये बाय वन गेट वन फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। तो उसमें क्या होता है ना, जब एक के साथ एक फ्री होता है या कोई ऑफर दिखता है ना, तो अगले बंदे की आंखों में पट्टी लग जाती है और वो खुशी से उछलने लग जाता है और सामान को तुरंत खरीद लेता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है बेटा माल बेचने का। तो उसने यही करा कि अल्पकालीन प्रोत्साहन है, मैं हमेशा एक के साथ एक फ्री ऑफर नहीं रखूंगा, जब मुझे अपना पुराना स्टॉक है उसे कुछ निकालना होता है ना, तो बेटा मैं इस टाइप की एक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने कहा अल्पकालीन प्रोत्साहन है, रोज नहीं करूंगा कुछ टाइम के लिए। तो अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है जो ग्राहकों को, जैसे मान लो बेटा आप सब को उत्पाद और सेवा मुझे जो बेचनी है को तुरंत क्रय करने के लिए क्या किया जाती है, प्रोत्साहित करने हेतु उकसाया जा रहा है। प्रोत्साहित करना मतलब उकसाया जा रहा है, तो उसके लिए जो की जाती क्रिया उसको विक्रय संवर्धन कहता है। तो हमने सबसे पहले विज्ञापन पढ़ा,
जो टीवी एंड ऑल में आपने देखा, फिर पर्सनल सेलिंग, घर घर जाकर के माल बेचा, और अब आया विक्रय संवर्धन जिसमें हमने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ और तरीका निकाला, जो ना तो मैं किसी के घर पे गया, ना मैंने टीवी में कोई ब्रेक डाला, यानी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, ठीक है। अब मैंने कोई नया तरीका ढूंढा, तो इसने बोला यहाँ पे विक्रय संवर्धन की तकनीकें, मैंने चार लिखी है और भी यहाँ पे हो सकती है, बट मैंने चार लिखी है आपके लिए। जैसे मूल्यों पर छूट, यानी कीमतों पर छूट, 10% डिस्काउंट ले जाओ, यानी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, मूल्यों पर छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इससे क्या बंदा ललचा जाता है कि अगर आपने अभी खरीद लिया तो आपको 10% छूट मिलने वाली है, इस प्रोडक्ट पे देखिए फटाफट से इसको लीजिए, ठीक है ना। तो इस पे हो सकता है कीमतों पर छूट बोल सकते हो। आगे लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ कि आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करिए, आपको लकी ड्रॉ में यहाँ पे कूपन्स रखे हैं, फिर आपको हो सकता है कुछ मिल जाए, ठीक है ना। उसके अलावा उपहार दे सकते हो आप, जैसे मान लो आपने ये खरीदा तो आपको साथ में ये मिलेगा, एक टैडी, छोटा सा टैडी फ्री मिल गया, या एक चॉकलेट फ्री मिल गई, तो उसके लालच में भी लोग खरीद लेते हैं, ठीक है ना। नमूनों का वितरण, बेटा ये नमूने आप नहीं, आप नहीं हो, ये नमूने का मतलब होता है बेटा सैंपल की बात कर रहा है। सैंपल यानी आपने देखा होगा ना कि जब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मान लो रेडी वाला है, रेडी वाला आपकी गलियों में आता है, और गली में आकर के मान लो उस रेडी में लगे अंगूर रखे। अब लेडीज क्या होती है, अंगूर जब खरीदने जाती है ना तो दो चार अंगूर पहले चक्के देखती है। अब सपोज करो यार वो दो चार अंगूर चखती है, अगला बंदा बोलता है अगला बंदा बोलता है हाँ जी हाँ जी दीदी जी या जो भी बहन जी आप चख लीजिए, यही तो बोलता है ना। अगर मान के चलो उस गली में मान लो सपोज करो 50 महिला है, और 50 महिला दो दो चार चार अंगूर भी चखेगी, तो बेटा उसको दो चार तीन चार किलो पता कितना होगा, वो तो ऐसे खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा, दिक्कत तो होती है ना। अब वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, नमूनों का वितरण। अब क्या उसके लिए पैसे लगते हैं, नहीं, वो क्यों चखाता है दो चार अंगूर जब उसको पता है कि इतनी सारी महिला आ गई तो उसका तो बहुत सारा क्या है डब्बा गोल ऐसी हो जाएगा, बट वो फिर भी क्या करता है, हर कोई आपने देखा होगा वहां पर सैंपलिंग दिखाता है, देखो इसको टेस्ट करके देखिए, ऐसे करता नहीं करता। तो नमूने मतलब सैंपल, ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके, उनको अगले को पसंद ही आएगा फिर वो खरीद लेंगे, ये थोड़ा उसका दिमाग में रहता है। तो मूल्यों पर छूट दे सकते हैं, कीमतों पर छूट दे सकते हैं, डिस्काउंट एंड ऑल बोल दिया, लकी ड्रॉ हो सकता है, उपहार हो सकता है, नमूनों का वितरण, नमूने मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सैंपल, जैसे सैंपल के ऊपर आपको दिखा दी कि आप देखो इसको चेक करके आपको पसंद आया तो ये और लेना, ये लेना, आप ये भी ट्राई कर लो, बस अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए इसको, ठीक है। अब उसको पता है पसंद आ ही जाता है, मैक्सिमम केस है जब भी सैंपल वो दिखाता है ना बंदा, ठीक है ना, तो उसको बोलने का तरीका और उसका सैंपल दिखाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है ना, ऊपर से उस प्रोडक्ट में कुछ खास होती होगी बात। भाई मैक्सिमम देखो जब भी सैंपल बंदा लेता है ना 90% केस में खरीद ही लेता है अगला बंदा, 10% होते हैं जो खास खाते हैं निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि वो बोल रहा है कि मैं आपको ना बहुत कम इंटरेस्ट पे, अगर आपने अभी हमसे प्रोडक्ट दिया तो बहुत कम इंटरेस्ट आपको ना एक तरह से ईएमआई पे बनाकर दे देंगे, समथिंग क्या होता है वो, या फिर लोन वोन पे जो है मैं आपका बहुत कम इंटरेस्ट रखूंगा, या 0% की ब्याज की दर रखूंगा, यानी आज खरीदो ब्याज है ही नहीं, इंटरेस्ट लगेगा नहीं अगर आपने उधार में भी खरीदा, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं जिससे क्या है वो बंदा खरीदना स्टार्ट कर देता है। विक्रय संवर्धन की विशेषताएं क्या, पहली बात तो याद रखना ये विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार, अभी प्रचार भी आने वाला है, ठीक है, को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका मतलब इसके अंतर्गत ना तो विज्ञापन आता है, ना तो विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, ना ये व्यक्तिगत विक्रय से जुड़ा हुआ है, ना ही ये प्रचार से जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गया तक। उसके अलावा यह विक्रय यानी बिक्री को बढ़ाने में सहायक है, इसका मतलब इससे सेल्स को बढ़ाने में बहुत सहायक है, वो तो होता ही है, सेल बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं एक के साथ बाय वन गेट वन फ्री, सेल बढ़ाने के लिए तो सेल बढ़ाने में सहायक है। उसके अलावा यह विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को और क्या बना देता है, अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है, यानी और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में बहुत सहायक है, किसको, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को। अब कोई बंदा विज्ञापन करवा रहा है साथ में बाय वन गेट वन का लगा दो ना बेटा, देखो और दुगनी सेल हो जाएगी, तो उसने बोला सबसे पहले तो इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। नंबर दो, यह बिक्री को बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर तीन, यह विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय को और अधिक क्या बना देता है बेटा, प्रभावी बना देता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह नियमित यानी हमेशा नियमित रूप से की जाने वाली क्रिया नहीं है, यानी हमेशा नहीं होती बेटा, नाम ही पढ़ लिया था अल्पकालीन है, कुछ टाइम के लिए ऑफर होता, हमेशा के लिए ऑफर नहीं होता, तो यह नियमित यानी लगातार रूप से की जाने वाली क्रिया नहीं है, क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत, चलो यहां तक हम नोट डाउन करें बेटा साथ साथ में। हाँ नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास है जनसंपर्क अवधारणा क्या होता है, जनसंपर्क अवधारणा जिसको हम सार्वजनिक संबंध भी बोलने वाले हैं, ठीक ना।
देखो क्या होता है, सार्वजनिक संबंधों से अभिप्राय एक संगठन के पब्लिक के साथ संबंधों से, यानी संगठन का बिजनेस का पब्लिक के साथ क्या संबंध है वो ये इसके अंदर आता है, ठीक है ना। आगे, यह एक बिक्री रहित यानी सेल्स से रिलेटेड नहीं है ये, तो बिक्री रहित क्या होता है, संदेश वाहन होता है, नॉन सेल कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कौन सा इनमें से नॉन सेल कम्युनिकेशन, बेटा ये नॉन सेल कम्युनिकेशन है, क्योंकि विज्ञापन सेल से रिलेटेड है, ये भी सेल से रिलेटेड है, विक्रय संवर्धन भी सेल से रिलेटेड, तो तीनों ही सेल से रिलेटेड है, बट ये वाला जो है नॉन सेल कम्युनिकेशन सेल से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जनता के साथ एक अच्छा अपना क्या रिलेशन बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो सार्वजनिक संबंधों से अभिप्राय एक संगठन के पब्लिक के साथ यानी जनता के साथ संबंधों से है, और यह बिक्री रहित संदेश वाहन यानी नॉन सेल्स कम्युनिकेशन होता है। क्लियर हो गया? चल, उसके बाद सार्वजनिक संबंध स्थापित, यानी अगर मुझे जनता के साथ संबंध स्थापित करने हैं तो फिर मैं क्या क्या विधियां मेरे पास है, तो पहली है न्यूज यानी समाचार के थ्रू कर सकता हूं मैं, ठीक है, जनता के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं मैं, इस बात में समाचार होता है। समाचार के साथ साथ घटनाएं यानी इवेंट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस होता है ना, कभी सम्मेलन ले आता है कि पत्रकार को बैठा देता है, कभी नई फैक्ट्री खोल रहा है तो उसको उद्घाटन करवाता है, तो वो उसके आसपास की जनता को निमंत्रण दे देता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं तो प्लीज हमारे सहायता, मतलब जनता के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है। नई ब्रांच खोली, देखो हम आपके लिए यहाँ पे नई ब्रांच खोल रहे हैं, यहाँ पे आकर के आप क्या ये फैसिलिटी ले सकते हो, इस टाइप की चीजें, ठीक है, तो वहां पे होते हैं। तो सुन, और ये एक तो क्या, समाचार के थ्रू आप जनता के साथ कनेक्ट हो सकते हो न्यूज के थ्रू। नंबर दो, घटना यानी इवेंट, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ नए नए इवेंट करते रहो, ठीक है, तो जनता के साथ टच में रहता बंदा, ठीक है ना। उसके अलावा भाषण दे सकते हो, स्पीच दे दो, ठीक है, जनता सुनेगी और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। सार्वजनिक सेवा क्रिया कर सकते हो आप, सार्वजनिक सेवा, जैसे मान लो आपने जनता के लिए क्या पार्क बना दिया कहीं पे, पब्लिक के लिए पार्क बना दिया उस जगह जहां पे आपका बिजनेस है उधर, या धार्मिक स्थल बनवा रहे हो, तो इससे क्या होता है जनता के मन में ना आता यार ये कितना हमारे लिए कर रहा है, तो हमें इसका सहयोग करना चाहिए, तो जनता के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है बेटा। उसके अलावा छपी हुई सामग्री से भी, छपी मतलब क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल, जैसे मान लो कि आर्टिकल्स निकाल दिया है, मैगजीन में कोई चीज निकाल दी, तो उससे भी क्या है जनता के साथ संबंध। अब लोग जिसको मैगजीन पढ़ने का शौक होगा तो वो क्या है उसके बारे में पढ़ेगा, तो जनता से क्या कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो जनता से कनेक्टिविटी करने का ये सारा तरीका है, ठीक है, तो बच्चों वाली चीज है। फिर आता है सार्वजनिक संबंध की विशेषताएं, सार्वजनिक संबंध जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये सार्वजनिक संबंध की विशेषता ये है, फीचर्स ये है कि जनता के साथ एक तो अच्छा संबंध बनाने में सहायक है, जनता के साथ एक अच्छा संबंध बन जाता है। नंबर दो, लगातार चलने वाली क्रिया है, ये नहीं कि बेटा आज की बस खत्म, बेटा ये लगातार चलने वाली क्रिया है, जनता के साथ अच्छा संबंध ही रखना पड़ता है तभी बिजनेस चलता है, तो लगातार चलने वाली क्रिया है। नंबर दो, जनता के साथ अच्छा संबंध बनाने में सहायक है, जनता का सहयोग प्राप्त करने में सहायक है, जनता के साथ अच्छा संबंध होगा तो जनता का सहयोग भी होगा, ठीक है ना। और विभिन्न समूह यानी जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप है, ठीक है, उसको संतुष्ट करने में भी क्या ये सहायक है, ठीक है ना। तो जनता के साथ अच्छा संबंध बन रहा है, जनता का सहयोग मिल जाता है, लगातार चलने वाली क्रिया है, विभिन्न समूहों को क्या संतुष्ट करने में सहायक हो जाता है, ठीक है ना। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को आप टाटा बाय बाय कर लेते हैं आज। तो बेटा आगे देखो फटाफट से, ये डिफरेंस है हमारा विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय के ऊपर, और मैंने कहा था इसके बाद आपका एक पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और ये डिफरेंस मैं अलग से भी आपको दे दूंगा। मैंने कहा था, मैंने डिफरेंस का फायदा भी बताया था कि बेटा अगर डिफरेंस आप पढ़ते हो तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा विज्ञापन तो आप काफी सारी चीजें उसके बारे में बता सकते हो, आपसे कोई व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग पूछेगा तो उसके बारे में बता सकते हो, और डिफरेंस पूछेगा तो वो तो बल्ले बल्ले हो ही गया, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से, यहाँ पे मैंने परिभाषा कोई और लिखी है जो मैंने आपको थ्योरी में जो मैंने पढ़ाई है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लिखी है मैंने यहाँ पे विज्ञापन, विज्ञापन के लिए डेफिनेशन, ठीक है। तो विज्ञापन लोगों को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए प्रेरित करने, यानी जब विज्ञापन होता है वो लोगों को क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो वो लोगों को खरीदने के लिए, बेटा जो वस्तु सेवाएं होती हैं उनको खरीदने के लिए लोगों को क्या करना होता है, प्रेरित करना होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि विज्ञापन कभी भी फेस टू फेस नहीं होता है, विज्ञापन कभी सामने जाकर के नहीं होता। आपने देखा कि मैं दोबारा एक बताया भी था कि सलमान खान जी
आपके सामने आकर के, या कोई भी शाहरुख खान हो, सलमान खान, कोई भी चीज, कोई भी हो, वो सामने आकर फेस टू फेस आपका विज्ञापन नहीं कर रहा, वो टीवी पे कर रहा है, समाचार पर, समाचार जो पत्र होते, न्यूज़पेपर होते, उस पे करते हैं, रेडियो पे करते हैं, ठीक है ना। तो वो इसलिए अव्यक्तिगत होता है, क्योंकि व्यक्तिगत तब होता है जब बेटा आप फेस टू फेस हो। तो उसने बोला विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों का, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, और जिसके लिए भुगतान किया जाता है। बेटा इसके लिए क्या, विज्ञापन करने के लिए भुगतान किया जाता है, समझ में आ गया। जबकि व्यक्तिगत विक्रय, ये पहले वाली डेफिनेशन है बेटा, व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के जो संभावित क्रेता है, यानी जो क्रेता बन सकते हैं, जो क्रेता हो सकते हैं, है ना, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो सकते हैं, से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। यानी यहाँ पे जो संपर्क हो रहा है वो व्यक्तिगत हो रहा है। तो बात को समझना, क्या बोला मैंने, विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, और जिसके लिए भुगतान किया जाता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के जो संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना होता है। यानी संभावित क्रेता मैंने बताया था, जो क्रेता आपके हो सकते हैं, यानी आप उनको समझाओगे, बुझाओगे, और उनको माल दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, और फिर वो आपका क्रेता बन जाता है। तो यानी उन बंदों के साथ यहाँ पे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र बेटा विस्तृत होता है, बड़े लेवल पे होता है, जबकि इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। लागत की अगर हम बात करें तो विज्ञापन में प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की जो लागत है वो बहुत कम होती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में प्रति व्यक्ति पहुंचने की जो लागत है वो बहुत अधिक होती है। बेटा इसको ध्यान से समझना, व्यक्तिगत विक्रय मैंने एग्जांपल दिया था कि व्यक्तिगत विक्रय वो होता है, जैसे मान लो मैं साबुन बेचने वाला, मैं हर घर घर जाकर के लोगों से बोला साबुन लोगे देखो, या निर्मा लोगे, ठीक है ना, देखो फिर मैं थोड़ा डेमो भी दिखाऊंगा, देखो ऐसे ये भी मैल होगा तो ये भी निकल जाएगा, ये दाग होगा तो ये भी निकल जाएगा, डेमो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, यानी घर घर जाकर डेमो दिखा रहा हूं। तो व्यक्तिगत विक्रय होता है, पर्सनल सेलिंग होती है, ठीक है ना। विज्ञापन में घर घर जाना नहीं होता, उसमें क्या टीवी पे रेडियो पे बोल दिया आपने, थोड़ा सा दिखा दिया इस तरह से, बस वही माना जाता है। तो उसने बोला विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों हो गया, वस्तु सेवाओं हो गया, का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, क्योंकि व्यक्तिगत तो है ही नहीं, ये अव्यक्तिगत है, आमने सामने होता ही नहीं है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय से अभिप्राय किसी वस्तु के जो संभावित क्रेता, यानी प्रोस्पेक्टिव बायर, जो हो सकते हैं बायर्स, से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है, इसका क्षेत्र यह सीमित है। विज्ञापन में जो प्रति व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की जो लागत है बहुत कम लगती है, क्योंकि एक बार बनाए शूट किया जाता है वो, और टीवी पे दिखा करके हर जगह जगह पहुंच जाती है वो वीडियोस, ठीक है ना, और लोग उसको देख लेते हैं। जबकि व्यक्ति विक्रय में मैं एक एक घर पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति पहुंचने की जो लागत है बेटा, जो उस पर खर्चा लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, और समय भी ज्यादा लगने वाला है। क्लियर हो गया। चलो तीन पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट देखिए समय। इसके अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में समय भी क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि एक ही बार तो एडवर्टाइज करना है। तो इसके अंतर्गत उत्पाद की जो जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है, जबकि इसके अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। भाई अभी मैं यहां बता रहा हूं, दो ग्राहकों को समझा पाया, फिर किसी और घर में जाऊंगा एक को समझा पाया, किसी में जाके मान लो तीन को समझा पाया, तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्यक्ष संबंध, इसने बोला इसमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, आमने सामने है ही नहीं है, इसका मतलब ये अव्यक्तिगत होता है, ठीक है ना। इसमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसका मतलब बेटा ये व्यक्तिगत होता है। बेटा क्या होता है, व्यक्तिगत। और ये वाला क्या था आपका, अव्यक्तिगत। क्लियर हो गया था। देखो मैं एक बार पांचों पॉइंट रिपीट कर देता हूं अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसको बाद में रिपीट नहीं करने वाला, ध्यान से सुन लो, वीडियो को आगे मत बढ़ाना बेटा, सुन लोगे तो बार बार तो ज्यादा अच्छा रहता है। विज्ञापन क्या है, लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करना, क्या खरीदने के लिए, ठीक है, उनके आपको आइडिया चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, सेवा चाहिए, तो उसका अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है ना, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय जो होता है, इससे अभिप्राय किसी वस्तु के जो संभावित क्रेता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उससे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। इसका क्षेत्र बड़ा है, इसका क्षेत्र सीमित यानी छोटा है। लागत, इसमें प्रति व्यक्ति तक पहुंचने की लागत जो है वो बहुत कम आती है, बट इसमें प्रति व्यक्ति तक पहुंचने की जो लागत है बहुत अधिक आती है। इसके अंदर उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में समय भी कम लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। इसके साथ ग्राहकों के साथ यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अर्थात ये अव्यक्तिगत होता है, जबकि इसमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसका मतलब व्यक्तिगत होता है। क्लियर हो गया।
उसके बाद संदेश में एक रूपता, तो संदेश में एक रूपता, तो उसने बोला इसके अंतर्गत संदेश में एक रूपता होती है, क्योंकि अगर मैं पेप्सी का ऐड कर रहा हूं तो वो पेप्सी ऐड जब टेलीकास्ट होगा तो सबके लिए एक जैसा ही तो होगा, एक जैसा मैंने बोला हुआ वही होगा, वही बोतल होगी, वही कपड़े होंगे, वही सब कुछ वैसा ही होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है ना। अर्थात संदेश सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, समान होता है। अर्थात यहां पे कह रहा हूं विज्ञापन के अंदर जो संदेश होता है वो एक जैसा होता है, ठीक है ना, जबकि इसके अंदर संदेश में एक रूपता नहीं होती, तो इसके अंतर्गत संदेश में एक रूपता नहीं होती, इसका मतलब संदेश समान नहीं होता, अर्थात उपभोक्ताओं के व्यवहार को देखते हुए उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे गया, एक परिवार के पास गया, उसको मैंने डेमो दिखा निर्मा साबुन जो भी था, अब यार बताओ मैं जब दूसरे के पास जाऊंगा क्या मैं एज इट इज वही बातें बोल पाऊंगा, ठीक है ना। और चलो छोड़ो, मैंने थोड़ी बहुत लाइनें रटी भी थी, जो एज इट इज यहाँ बोली वही वहां चेप रहा था, हो सकता वो उससे समझे ना, तो उसके लिए मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे समझाना पड़ेगा, है ना। तो वो बेटा वो उपभोक्ता को देखते हुए ना थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर में समझता है, किसको विश्वास दिलाने में टाइम लग जाता है, है ना। तो वो उपभोक्ताओं के व्यवहार को देखते हुए इसमें संशोधन, मतलब उसके अनुसार थोड़ा चेंजेस जो भी सुधार करना है वो किया जा सकता है, ठीक है ना, जो भी एड ऑन करना कर लो। आगे माध्यम विज्ञापन, विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन के कई माध्यम है, जैसे आप समाचार पत्र से कर सकते हो, टीवी से कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो आदि, जबकि यहाँ पे जो आपका विज्ञापन होना है, यानी जो माध्यम, सॉरी जो यहाँ पे माध्यम होगा किसके द्वारा बिक्री की जाएगी, विक्रयकर्ताओं के द्वारा, सीधा विक्रयकर्ता घर घर जाएंगे समझाएंगे इसके द्वारा, तो यहाँ पे विक्रयकर्ताओं के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पे विज्ञापन के कई माध्यम है, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि। क्लियर हो गया, लास्ट पॉइंट खत्म कर लेते हैं, मेरे को भी नींद आ रही है, ठीक है, इसलिए वर्ड इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए पहले फटाफट से खत्म कर लेते हैं, ज्यादा देर करी तो वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, फटाफट से खत्म करते हैं। प्रतिपुष्टि की बात करें बेटा, प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, इसको हम प्रतिक्रिया भी लिख लो चल जाएगा यहाँ पे, वैसे प्रतिपुष्टि सही होता है, ठीक है ना वर्ड। तो इसमें ग्राहकों की, देखो जैसे वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो प्रतिक्रिया, तो ग्राहकों जो प्रतिक्रिया का तुरंत कुछ पता नहीं चलता, तो तुरंत आप सोच रहे हो कि फीडबैक मिल जाएगा, ये एकदम एडवर्टाइजमेंट आए पहली बार और तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, लोग फिर उस प्रोडक्ट को लेंगे, फिर देखेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू एंड ऑल डालते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत पता नहीं चलता, फीडबैक लोग बाद में डालते हैं, टाइम लगता है, जबकि इसमें ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया ना उसका तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि सामने सामने मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पता चल जाएगा बंदे को लेना है नहीं लेना, सब पता जाएगा, उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो तुरंत तुरंत पता चल जाता है। तो उसमें ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता, इसमें तुरंत पता चल जाता है। तो तकरीबन देखे ध्यान से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट यार काफी है, ठीक है ना, इस डिफरेंस को भी खत्म करते हैं और इसके साथ साथ इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं, काफी बड़ा चैप्टर था, मिलते हैं फिर लास्ट चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, उसको निपटाएंगे, अब बिजनेस को टाटा बाय बाय करेंगे, क्लियर, चलो।